हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो गाइज, आज के इस वीडियो में इंस्टाग्राम के एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप किसी को भी ब्लैंक मैसेज भेज के कंफ्यूज कर सकते हो और वो सोचते रह जाएंगे क्या मैसेज भेजा या नहीं भेजा है। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हो किसी को ब्लैंक मैसेज भेज के कन्फ्यूज करना, तो इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप किसी को भी ब्लैंक मैसेज भेज सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक वॉच करना है और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। यहाँ पे इसी तरह के रिलेटेड वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आ गए फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले एक ऐप यूज करने वाले हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसका नाम है इम्पटी टेक्स्ट, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ऐप होगा। आपको इम्पटी टेक्स्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप कैरेक्टर में किसी को ब्लैंक मैसेज भेजना चाहते हो या रॉ में, लंबा में या चौड़ा में। तो अगर आप लंबा में भेजना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर शो करना, लंबा में भेजना होगा तो आपको रॉ सेलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 500 वर्ड में भेजना है, 1000 वर्ड में भेजना है, चाहे 100 वर्ड में भेजना है, चाहे 200 वर्ड में भेजना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे 500 वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जेनरेट वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप जेनरेट वाला ऑप्शन पर टैप करते हो आपके सामने इस तरह का ऐड आएगा, आपको ऐड को कट कर देना है। उसके बाद आपको जो ये सेंड वाला ऑप्शन शो कर रहा है आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हो आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है। पहला आता है आप डायरेक्ट को अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, उसके बाद आप कॉपी करके कहीं भी भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं भी भेज सकते हो। चलिए मैं आप कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको मैसेज वाला सेक्शन में जाना है। मैसेज वाला सेक्शन में जाने के बाद आप किसी को भी ब्लैंक मैसेज भेज सकते हो। तो चलिए हम इसको भेज देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट जैसे ही करते हो उसके बाद आपको सेंड वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो आप देख सकते हैं उसको मैसेज भी हम यहाँ पे सेंड कर लिए। उसके बाद वो स्क्रॉल करते करते थक जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि क्या मैसेज भेजे या नहीं भेजे। उसके पास जो भी मैसेज आएगा वो ब्लैंक मैसेज आएगा और उसको कैरेक्टर में भी ब्लैंक मैसेज भेज सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आपको कैरेक्टर में भी मैसेज भेज के दिखाते हैं ब्लैंक मैसेज कैसे भेजा जाता है। तो उसके लिए आपको फिर से आपको इम्पटी टेक्स्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस बार आपको कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आप 1000 वर्ड में भेजना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1000 सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको जेनरेट वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करते हो आपके सामने फिर से ऐड आएगा, आपको ऐड को कट कर देना है। कट करने के बाद आपको ये सेंड वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट भेज सकते हो, अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सेंड वाला ऑप्शन पर टैप कर देना। तो आप देख सकते हो उसके पास जब भी मैसेज आएगा इस तरह के ब्लैंक मैसेज आएगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या मैसेज भेजा या नहीं भेजा। तो आपको इसी तरह से कोई भी दोस्तों को कंफ्यूज करना है ब्लैंक मैसेज भेज के। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।